हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिक मार्ट। और आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपको गूगल पे की तरफ से 3000, 2000 या फिर अप टू 10,000 तक का अगर आपको ब्रोकरेज कैश मिला हुआ है तो कैसे आप इसे रिडीम कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या आप इसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, यह सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन मिल सके कि क्या यूजर्स हैं इस ब्रोकरेज कैश का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे आप इसे रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप इसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिंपली इस कोड पर आपको क्लिक करना होगा, दैट मीन्स कि इस कूपन कोड को आपको कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, सिंपली आपको उससे उस पर क्लिक करना है। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप एक ब्राउज़र पर, या तो आप अपने क्रोम पे या तो फिर आपका जो भी पर्सनल होम ब्राउज़र है उस पर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद आप 5paisa के अकाउंट ओपनिंग प्लेटफॉर्म पर, दैट मीन्स कि पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको सिंपली आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होता है और आपको ऊपर में अपना नाम एंटर करना होता है। उसके बाद आप जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोसीड पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर इस फ़ोन नंबर पर आपको एक OTP चला जाता है। याद रखिएगा कि आप जो ये फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के साथ लिंक हो, ठीक है। सो वो उस OTP को जब आप वेरीफाई करते हैं तो फिर और एक पेज पर आप आ जाते हैं जहां पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर जो है वेरीफाई हो चुका है, कंटिन्यूसली हमें मैसेज आ रहा है, और अब हमें अपना ईमेल आईडी को एंटर करके उसे भी वेरीफाई करवा लेना है, ठीक है। जैसे ये पेज लोड हो जाता है तो फ्रेंड्स सिंपली आपको अपने ईमेल आईडी भी एंटर कर लेना होगा, वहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर एक OTP चला जाता है। सो उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। सो उसके लिए आपको अपने ईमेल बॉक्स में जाना होगा और वहाँ से आपको अपना OTP मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं लिंक योर पान, आपके पान कार्ड का डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना है, पान कार्ड नंबर और आपके पान कार्ड पे जो DU भी दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ उसे भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना डिटेल्स क्लियरली अब सबमिट कर दिया था। उसके बाद जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है कंप्लीट KYC डिटेल। अगर आपके पास जैसे कि आप देख सकते हैं DigiLocker है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कंटिन्यू विथ द प्रोसेस स्किप पे लिखा हुआ है उसे आप क्लिक कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको DigiLocker है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे कि आप स्किप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डिटेल एंटर कर लेना है और IFSC कोड भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप ये सबमिट करते हैं तो आपके अकाउंट पर ना जैसे ये वेरीफाई हो जाता है 5paisa था, तो आपके अकाउंट में 1 rupee जो है क्रेडिट हो जाता है। तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आपका अकाउंट जो है ऐड हो चुका है, दैट मीन्स ये कनेक्टेड है 5paisa के साथ, ठीक है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट योर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। पर्सनल डिटेल्स, हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, और आप हाँ ऐसे जेंडर्स, और आप मैरिटल हैं, दैट मीन्स कि मैरिड हैं या नहीं, और आपके पिताजी का नाम, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने पड़ते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल कर रखा है। और उसके बाद आपको आने के बाद यहाँ पर आपको ना अपना ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं और आपके हायर एजुकेशन क्या है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है, और साथ ही साथ आपका एनुअल इनकम भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। सो आपको जस्ट चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हम एक और पेज पर खुल जाते हैं, और फ्रेंड्स ये जो पेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रोसेस है। सो यहाँ पर आपको अपना पान कार्ड, आपको अपना सिग्नेचर और फोटो, दैट मीन्स एक सेल्फी आपको अपलोड करना होता है। तो हमने पान कार्ड अपलोड कर लिया है, अब हमें अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फ्रेंड्स ये जो सिग्नेचर है ना एक ब्लैंक पेपर में होना चाहिए, और उसका एक फोटो उठाकर सिंपली आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सेल्फी वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा एक्सेस का ऑप्शन मांगता है। यहाँ पर देख लीजिए लाइट अच्छा होना चाहिए, गॉगल्स ना पहने अपना, आप क्या पहने, एक मास्क भी अपना पहने, ठीक है। और सो एक कंप्लीट एंड क्लीन फोटो होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, ताकि आपका जो है सेल्फी हो वेरीफाई हो सके, ठीक है। सो उसके बाद हम जब प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई साइन योर फॉर्म पे, फॉर्म का एक ऑप्शन आता है, इस पेज पर आप लैंड करते हैं तो यहाँ पर आपको ई साइन नाउ पर क्लिक कर लेना। देखिए ये जो आप ई साइन नाउ पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर फिलहाल आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा। उस डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए ही आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। यस फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट जहाँ पर आप अपना होल्डिंग्स रखते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या होगा कि जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप NSDL के पेज पर आप लैंड करते हैं, ठीक है।
NSDL, जैसा कि आप देख सकते हैं NSDL के पेज में आपने लैंड किया, और वहीं फिर आप जब देखेंगे नीचे थोड़ा जब आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा VID/Aadhaar, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर क्लिक कर देना है और वहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर आपको राइट टिक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपको एक OTP आ जाता है उस रजिस्टर्ड नंबर पर जो कि आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना OTP एंटर करेंगे और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक राइट टिक दिया हुआ था आई वेरीफाइड, तो वहाँ पर आपको आई हैड बाय ऑथराइज, तो वहाँ पर आपको टिक भी कर देना है। ठीक है, तो आपका आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका डीमैट अकाउंट जो है खुल चुका है। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने जो फोटोज़ अभी अभी अपलोड किया था उसमें से किसी भी फोटो में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो जो है रिजेक्ट हो जाता है और फिर से आप उसी पेज पर वापस लैंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि उस फोटो को फिर से रिप्लेस करके, दैट मीन्स एक नया फोटो आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है, लाइक आपका जो सेल्फी है एक क्लियर फोटो होना चाहिए। ठीक है, प्रोसीड टू टेबल टास्क में जो भी आपका ये प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है, कम्प्लीटली आपका जो डिटेल आपको अपलोड कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है कि आपका जो है एक डीमैट अकाउंट कम्प्लीटली ओपन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एक डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं In5Paisa, तो इसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है जिसके थ्रू से आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जितने भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं आप उसे अपने शेयर मार्केट में किसी भी एक पर्टिकुलर शेयर को चूज़ करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने 2-3 शेयर्स बाई किए हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ ये सारे शेयर्स मैंने बाई किए थे। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप यूजर सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो अवेलेबल मार्जिन है वो 0-0 दिखा रहा है क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है रिसेंटली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो जब भी आपको कुछ पैसा आने वाला होगा ना, वो आपके जस्ट सेम थिंग यहाँ पर नेट अवेलेबल मार्जिन में ही आपको ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ से फिर आप इजीली यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करके आप उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। बट अब एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरा यहाँ पर -100 दिखा रहा है, दैट मीन्स कि मिनिमम बैलेंस जो है 100 दिखा रहा है, आपका पता नहीं क्या दिखा सकता है। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा एट द एंड में, क्योंकि आप अभी तक देख रहे थे इस वीडियो को, इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, आप जिस भाउचर के थ्रू से आपने अकाउंट खोला है उसके थ्रू से क्या होगा कि आप 1 मंथ तक किसी भी टाइप का आपको ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वो जो वाउचर आपने यूज़ किया है उसका यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का कोई फंड ऐड नहीं होने वाला है क्योंकि वो ब्रोकरेज कैश क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप शेयर्स को ना बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 पैसा को एक कमीशन पे करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज चार्जेस। सो 5 पैसा का जो कमीशन चार्जेस है वो फ्लैट 20 रुपीज़ है। जब आप बाय करेंगे तब 20 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है एज अ ब्रोकरेज चार्जेस, एंड जब आप सेल करते हैं तब भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस एज ए 20 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है टू द 5 पैसा। तो क्या होगा कि आपके साथ क्या होगा कि 1 मंथ तक आपको किसी भी टाइप का कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा जब भी आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। दैट मीन्स कि 1 मंथ तक आपके शेयर्स को बाय या सेल करना एकदम फ्री रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये ब्रोकरेज चार्जेस क्या होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने वीडियो बना के रखी है, आई बटन में वीडियो है और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा अबाउट द कैशबैक वर्सेस ब्रोकरेज कैश। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टाइप की क्वारी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, तब तक ले जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।